हेलो चैम्स, इस सेशन में क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल को कैसे एक सम में यूज किया जाता है, यानी एक सम कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्स, मैंने आपको सिखाया था ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब इस क्यूब ऑफ बाइनोमियल को मैं एक सम में यूज करने जा रहा हूँ, आइए समझते हैं। तो पहला मैं सम लेने जा रहा हूं, हमारे पास है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। अब चैम्स आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y जो है हमारे पास a प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब हमारे पास जो a है वो है 2x और जो b है हमारे पास वो है 3y। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करते हैं, तो आइए देखते क्या होता है। तो ए की जगह हम 2x को रिप्लेस कर देंगे, तो 2x का यहाँ पर होल क्यूब हो जाएगा, प्लस बी की जगह हम 3y रख देंगे, तो 3y का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए, ए है हमारे पास 2x और बी है हमारे पास 3y और ब्रैकेट में है हमारे पास ए प्लस बी, तो ए है हमारे पास 2x प्लस 3y। तो ये हमने वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दिया है और सब्सिट्यूट करने के बाद हम इसको कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हमारे पास 8 आएगा। एक्स को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है, तो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 27 और वाई का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना होता है ये 18। और एक्स और वाई का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास रहेगा 2x प्लस 3y। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 18xy का, हम 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18xy मल्टीप्लाई बाय 2x। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब 18xy का हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3y के साथ। तो आइए इनको सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट रो में। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 18 2 कितना होता है हमारे पास, 36 आता है। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो x² हो जाएगा, वाई का कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो वाई एज इट इज आ जाएगा, प्लस 18 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा, एक्स का कोई पार्ट नहीं है तो एक्स एज इट इज लिखा जाएगा, वाई का वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं कि फर्दर कुछ सॉल्व करने का आगे कुछ है। 8x³ का कोई पेयर नहीं है, 27y³ का कोई पेयर नहीं है, 36x² एंड 54xy² का भी कोई पेयर नहीं है, तो चैम्स ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। आइए अब दूसरी आइडेंटिटी को लेके हम सॉल्व करते हैं।